चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेयर्स की आखिरी लेयर्स देनी है अपन को, तो जैसे अपन ने फर्स्ट और सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर दी थी ना जैसे, वैसी देनी है। ठीक है, तो अपन ने डायरेक्शन लगा लिए थे, अब अपन वही करते हैं सेम। 6B से अपन करते हैं, जैसे फर्स्ट लेयर करी थी ना, पहले एक आउटलाइन बना लेना और हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना। ये वाला सेक्शन हुआ अपना, अब ये वाले सेक्शन के लिए पेंसिल शार्प रखना। देखो जरा 6B शार्प करना, यहाँ पे HB में अपन आगे आगे तक ले गए थे, 6B में रेफरेंस में देखो उतना आगे नहीं है। ठीक है, डार्क दिख रहे हैं अपन को, 6B वाले हैं, आराम आराम से करेंगे, इसलिए देख लो। HB वाले ये दिख रहे हैं, ये हैं, इससे थोड़े पीछे रहेंगे, एकदम डायरेक्ट उतने ज्यादा चेहरे पे नहीं आएंगे, उससे पीछे ही रहेंगे, एकाध एकाध दो जरूर आगे आ जाएंगे। इसमें यहां देख सकते हो बाल यहां तक है, मैं उससे थोड़ा पीछे ही रखा हूं, एकाध दो जैसे आगे चले जा रहे हैं उसका कोई परेशानी नहीं है, रेफरेंस में भी है, पीछे ही रखना बहुत, एकदम नहीं कि चेहरे पे 6B से ले जाओ, चेहरे पे जो HB वाले हैं उन्हें ही जाने दो, इस तरीके से धीरे धीरे करो और फ्लो का ध्यान रखना। इस हिसाब से अपन ने HB पेंसिल से बनाए थे ना अपनी मैकेनिकल पेंसिल से, उसी फ्लो में रखना, आराम आराम से ड्रॉ हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से करना है, बहुत ध्यान से, ये याद रखना 10B वाली लेयर में भी ये खूब काम आएंगे। अब जरा ये ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले अपन जैसे HB से बनाए थे, HB वाले तो एक आध दो इधर एक आध दो ऊपर निकल गए थे, इसमें भी एक आध दो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कर देना कि बहुत ज्यादा जो है पूरा हिस्सा भर दिया अपन। पेंसिल शार्प रखो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स आ रहे हैं, पेंसिल पीछे ही पकड़ो ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए अपने हाथ का। ठीक है, ये नॉर्मली आ रहे हैं, फिर ये एकाध एकाध डार्क ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर वाले हो गए, अब ऊपर से नीचे वालों को भी ऐसे ही करना है। आगे की तरफ जो HB वाले हैं पे नहीं करना, थोड़े उनके पीछे से लेके आओ स्ट्रोक्स, आराम आराम से, मोटे मोटे स्ट्रोक्स नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना एकदम, थोड़े पतले पतले ही लाना। यहाँ पे आराम आराम से पेंसिल शार्प कर लो पहले, ठीक है, इसलिए आराम आराम से जरा देखो पहले, इस वाले पोर्शन को धीरे धीरे कर रहे हैं अपन, इसमें भी एकाध एकाध ऐसे नीचे चले गए, बाद में इसमें जो और शार्प से दिख रहे हैं ना वो अपन मैकेनिकल की मदद से बना लेंगे, लेकिन पहले अभी थोड़ा पीछे रखना है इसे। इस तरीके से अपन ने कर लिए, बीच का हिस्सा छोड़ के बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब आता ये वाला कर्व, यहाँ वाले इसे अपन को अच्छे से करना, अब अपन नीचे वाले बाल हैं, तो नीचे वाले बालों के लिए अपन ने जैसे फर्स्ट लेयर में करा था ना ऐसे पेपर रख के, एक स्ट्रेट आने हैं वैसे भी ये, तो एक पेपर रख के कर लो,
तो वही चीज अपन करेंगे दोबारा, इस तरीके से एक पेपर रख के। चेहरे पे एक भी स्ट्रोक नहीं जाना चाहिए, आराम से बना लो। इस पार्ट में जल्दबाजी नहीं करना, ये बहुत पेशेंस का काम है, आराम से करना है इसे। ये हो गया, अब बाकी के बाल ऐसे स्ट्रेट ले आओ। ठीक है, तो ये अपनी सेकेंड लेयर भी हो गई। अब सेकेंड लेयर के साथ भी अपन वही करेंगे जो फर्स्ट लेयर के साथ किया था, ब्लेंड। तो ध्यान रखना अब ये 6B है, ये थोड़ी ज्यादा फैलेगी, तो चेहरे से ब्रश को जो है दूर रखना, चेहरे पे नहीं आना चाहिए ब्रश। आराम से कर्व चलाओ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे धीरे धीरे ब्रश चलेगा, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ब्रश। इस तरीके से अंदर ही अंदर रखो, ये जो स्ट्रोक्स एक्स्ट्रा निकल रहे ना बाहर की तरफ दिख रहे हैं अपन को अच्छे खासे, उन पे नहीं जाना, उन्हें ब्लेंड मत कर देना वरना गंदे लगेंगे। फिर इस वाले पोर्शन को करते हैं, ऊपर से नीचे से कर्व करते हुए ले आओ। सेकेंड लेयर भी ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, तो अपनी दो लेयर्स हो गई हैं, अभी अपन को और डेप्थ की ज़रूरत है, तो अपन थर्ड लेयर 10B से देंगे। तो पहले इतना कर लो। चलो तो आओ थर्ड लेयर स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेयर सेम तरीके से करनी है, बस 10B पेंसिल ले लो। ओके, और हाथ के नीचे एक पेपर रख लेना, ये वाला पार्ट करते हुए कर दो, स्टार्ट कर दो, साथ साथ ही कर लो। पेंसिल शार्प रखना, अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स आने चाहिए, भले ये पूरा पार्ट ब्लेंड हो रहा है लेकिन तब भी दिखने चाहिए अच्छे तरीके से कि पूरी मेहनत लगाई है। ठीक है, ये हो जाता है, अब अपन ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर जरा ध्यान दो, धीरे धीरे करना है अपन को। यहाँ पे 6B था तो इधर से स्टार्ट नहीं कर देंगे अपन, थोड़ा ऊपर से करेंगे। ठीक है, अब रुकना, यहाँ देखो मैकेनिकल पेंसिल लो, ये जो बीच वाले पार्ट अजीब सा छूटा है ना, अपन को क्या चाहिए इसमें स्ट्रोक्स चाहिए। अब अपन आराम से मैकेनिकल पेंसिल की मदद से इसमें ऐसे कर्व स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, तो जो अपन को शार्प कर्व स्ट्रोक्स चाहिए हैं अब लगा लो अच्छे तरीके से, पूरा भरना नहीं है, बीच में से हाईलाइट्स छोड़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे अब धीरे धीरे थोड़े प्रेशर के साथ कि वो थोड़ी डार्क दिखे, आराम आराम से स्ट्रोक्स लगा लो। ये तो जो हल्के हल्के बाल दिख रहे हैं ना अपन को बीच में मांग की तरफ आते हुए, वैसा दिखे। हल्का हल्का 10B का भी यूज करो यहाँ पे।
सुनो, तो अब अपना शेड पूरा हो जाता है, देख सकते हो पूरा अपना शेड हो गया है। ठीक है, ब्लेंड की बारी है, तो ब्रश उठाओ, ब्लेंड करना स्टार्ट करो, उसके बाद हाइलाइट्स देते हैं। ठीक है, बस अब स्केच अपना ख़त्म ही होने वाला है, तो जब हाइलाइट्स दूँ तब ध्यान देना। जो एक ग्रेफाइट एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल रहा है ना, उसे इरेजर से तुरंत के तुरंत इरेज कर लेना। ठीक है, और इसे ऐसे हल्के तरीके से किसी कॉटन पीस या क्लोथ से निकालना, हाथ से या ब्रश से नहीं। नीचे वाला पार्ट ब्लेंड कर लो, चेहरे पे नहीं जाना चाहिए। इसमें भी जो बाहर निकल रहा है वो इरेज करो। ओके, अब देखना है यहाँ पे, देखो अपना ब्लेंड ब्लेंड सब हो गया है। अब अपन को हाईलाइट जो देने हैं, बीच का पोर्शन देखो, ये वाला, ये जो है ये तो पूरा इरेज कर लो ऐसे। ठीक है, पूरा इरेज कर लिया, हल्का हल्का यहाँ ब्रश चला लो इस तरीके से, बस। अब मैकेनिकल पेंसिल लो, मैकेनिकल पेंसिल की मदद से जो हल्के हल्के एक दो बाल आगे की तरफ निकल रहे हैं ना चेहरे पे, ये देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे वो ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक यहाँ गया, एक इधर गया, गिनती के लेफ्ट साइड के चार पांच बाल हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड की तरफ भी निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़े यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हल्के हल्के से बनाना, आराम आराम से, बहुत एकदम डार्क नहीं, बहुत ज्यादा भी मत बना देना कि एकदम भरा हुआ लगे। अब अपनी मोनो जीरो इरेजर लो, और ये अपन ने ईयर पे हाईलाइट करा था वो दोबारा बना लो। इसके बाद बस एक हाईलाइट और बचता है, और वो है ये चेहरे वाला। रेफरेंस में अगर देखोगे तो चिन से लेके चिन पे पतले से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जाके यहाँ चीक बोन नोज के लेवल पे से पहले ख़त्म हो रहा है। तो अपन चिन से स्टार्ट करते हैं। मोनो जीरो इरेजर लेना, बहुत ध्यान से आराम से, बाल वाला कोई पोर्शन इरेज मत करना, चेहरे पे उल्टा सीधा भी कोई इरेज नहीं करना, देख लो जरा ध्यान से। यहाँ पे ये जो हाइलाइट्स हैं बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छा लुक आता है इससे, तो इसे अच्छे से देना है, गड़बड़ नहीं हो जाने चाहिए। और ऐसा नहीं कि एकदम से बंद कर दो, एकदम से छोड़ दिया, नहीं, कैसे छोड़ेंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे एकदम पतला करके छोड़ेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा मोटा मोटा जा रहा है, यहाँ पे एकदम धीरे से छोड़ देंगे। ओके, ये अपन ने जो इरेज करा उसे बहुत आराम से ऐसे कॉटन से ऊपर से नीचे, और ये अपना स्केच जो है तैयार हो जाता है। बस एक ही चीज बचती है, यहाँ पे अपना साइन कर लो, और अब टेप हटा लेना। तो इस तरीके से अपना स्केच तैयार हो जाता है।